भाई एक चीज़ है, कुछ भी हो अपना रीवा ना फेमस किस चीज़ में है कि नहीं है, बट समोसे के लिए काफ़ी फेमस है। मैं जितनी जगह बाहर गया हूँ ना, सबने ये कहा भाई वहाँ के समोसे एक नंबर है। देखो भाई ये जो इंजन है इतने भी ना, ये ना इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, अभी स्क्रैप में जाएंगे। ये डेड बॉडी लेके जा रहा है क्या? तो अभी जस्ट आधे घंटे हुए घर आए हुए, तो मम्मा लोग को सब जैकेट्स वगैरह दिखाने लगा था और जो जो लेके आया था, इवन ड्रोन भी दिखाया। हेलमेट देखो ना, मैंने दिखाने के बाद मैंने ऐसे ही सब कुछ रख दिया और जैकेट मैंने यहाँ पे टांग दी। और मम्मी तबीयत रिकवर हुई? ठीक है। वो लोग आई से एकदम फिट, जाते टाइम बीमार दिखी थी ना, आते टाइम फिक्स, बढ़िया आराम हो गया। भाई अभी जा रहे कुछ ब्रेकफास्ट करने, और जो ये रौनक है ना, एक नंबर का स्कैमर है साला। सॉरी भाई, ये मैं क्या लास्ट टाइम आया था ना जबलपुर, जब यहाँ से दिल्ली गए थे, तो उतना अच्छा मतलब कुछ शूट कर नहीं पाए थे। अभी ये जर्मन से बड़ो कैसा हो गया रे, इसको देखो, रौनक का पाला हुआ कुत्ता है ये जबलपुर का। टाइम आ चुका है भाई, तो सबका भी कटा होगा, दम पे है मे बी, तेरा भी कटा है बेटा, इसलिए कोटी आ गया। ये काटे नहीं वरना जो अपने इधर इसकी वैल्यू करते हैं देसी कुत्ते जर्मन है। इधर तो कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी भाई, देसियों को पालते हैं भाई। तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम जैसे जबलपुर आया था ना, तो उतना अच्छा कुछ शूट नहीं कर पाया था, सोते ही रह गया था। तो मैंने सोचा था इस बार तगड़ा थोड़ा सा घूम लेंगे, आया तो ये पहले ही स्कैम कर दिया। मुंह दिखा एक बार ये भाई, हंसता हुआ से तगड़ा स्कैम हो गया। तो चलो आज हम वापस से जा रहे हैं, अभी जस्ट आए थे ना 2 घंटे पहले, नहा के फ्रेश हो गए, अभी जा रहे थोड़ा सा कुछ खाने पीने, ट्रेन मिली नहीं अपने को, तो अपन बस से ही निकलेंगे यार यहाँ से। अब हटते कैसे भी करके, रौनक को स्कैम में स्कैम कर रहा, कोई मतलब है नहीं अपने को यहाँ पे रुक के। सॉरी भाई। सॉरी क्यों बोल रहा है, तेरी आदत है। और तगड़ा स्कैम किया भाई, ऐसा तगड़ा झूठ बोला है, क्या बताओ अभी मैं। समोसे कैसे रहते इधर के भाई? एक चीज़ है, कुछ भी हो अपना रीवा ना फेमस किस चीज़ में है कि नहीं है, बट समोसे के लिए काफ़ी फेमस है। मैं जितनी जगह बाहर गया हूँ ना, सबने ये कहा भाई वहाँ के समोसे एक नंबर रहते हैं। ले रौनक, तू पहले रूम साफ कर लियो, अरेंज कर लियो, अरेंज कर। तू नहा ले, वही बहुत बड़ी बात है, रूम की तो दूर की बात। ये बात तो सही है, तूने यहाँ पे क्या छुआया है वैसे? मत करो भाई, कुछ तो छुआया है। चलो भाई निकलते हैं, लेट हो रहा है क्योंकि 40 मिनट में पहुँचने में लगेगा। और ये तू ले ले, ये मैं ले लेता हूँ, बाकी दोनों वो तू ले लूँ, ठीक है ना। रौनक भाई तू टाइम टाइम से नहाया कर यार, ठीक है ना। कल नहाया था भाई, कल नहीं नहाया था भाई, कल लास्ट वीक नहाया था। जल्दी आइयो, ठीक है, चलो वहाँ तक छोड़ दोगे ना, प्रॉपर बस स्टॉप तक, बढ़िया। और भटकना पड़ता हाँ, ये कट्टा ही नहाएगा, एक हफ्ते से भाई नहाया है नहीं, अब जाएगा घाट में ना, तो वहाँ पे इकट्ठा था एक हफ्ते का नहाएगा। आज उसके घर में किसी की डेथ हो गई ना, तो हम पहले रुकने वाले थे, तो फिर वो रहेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है रुक के, इसलिए हम वापस से जा रहे हैं भाई। और ट्रेन हमें मिली नहीं, तो हम बस से जा रहे हैं। कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? 20 मिनट, ठीक है, कोई काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। अच्छा अच्छा, चलो टुक टुक लेके। कितने परसेंट चार्ज चाहिए? तो फुल चार्ज करने में कितना लगता है? 140 किलोमीटर फुल चार्ज में, एक नंबर तब तो। तो एक दिन तो पूरा चल जाती है, बढ़िया है, तब तो मज़े ही मज़े हैं। हाँ देखो भाई ये जो इंजन है इतने भी ना, ये ना इनकी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अब ये स्क्रैप में जाएंगे, वेटिलिटी ख़त्म है इनकी सबकी। एटलीस्ट थोड़ा चेंज लेके निकला करो, जो कल करे। लेकिन क्या है ना, हाँ, 10-20 का धंधा रहता है। ओके, है ना, अगर आप ही को हमने दे दिया 100 की चेन 150, तो हम आगे अटक गए। क्या ना कि हम भी ट्रेवल करते उतना नहीं रह पाता हमारे पास ना, ऑनलाइन का सिस्टम बन ही गया है। ऑनलाइन थोड़ा कन्वीनियंट रहता है, घूमने उमने का टेंशन नहीं रहता, बाकी सारी चीजें दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है अंकल, थैंक यू, एक सेकंड बैग उतार लो, फिर आप रफा दफा हो जाओ। ये रही भाई अपनी बस, खाली तो है ओवरऑल, ये एसी बस है, बब्बा मार रही है। मेरा ये वाला मुश्किल लग रहा है यार, आ जाना चाहिए। एक सेकेंड यहाँ पे देखा जाए भाई, क्या बब्बा मार रही है। रुक तो, घुमाने तो दे भैया, बस हो गया। हमारा भैया हेलमेट नहीं आने वाला, तो हेलमेट अपन पता क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे।
भाई आधे घंटे और आधे घंटे बाद ये फटाक से निकलेंगे, 5 से 5 घंटे लगने वाले हैं। 5 बजे हम लोग रीवा उतरेंगे, मतलब लेट तो नहीं करती होगी ना, टाइम भी बहुत, 5 से 5 बजे। अच्छा आज ही रिटर्न होना इसको? ओ भाई अब सही है। चलो आज एक्सपीरियंस कर लेते हैं भाई जबलपुर से रीवा बस का, ट्रेन का तो बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, बस भी देख लेते हैं। लो भाई बस निकल ली अपनी, अभी बाहर निकल रही है, वहाँ पे लग जाएगी और फिर अपन बैठ के निकल लेंगे चुपचाप से। अंदर से बस ओवरऑल अच्छी है, मैं उतनी बेकार नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये है कि लगेज रखने के लिए ना उतने रैक्स वगैरह नहीं बने हैं, तो थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा सामान के साथ आ रहे हो तो वही प्रॉब्लम आएगी। और एक लंगूर को दिखाऊँ मैं आपको, ये पहले ही घुस के बैठ गया, दिख नहीं रहा बराबर, ये घुसा हुआ है भाई, रिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत तगड़ा, तो अब दिखा थोड़ा सा, ये दिखा। वही मस्त ठंडी हो गई है तो, है ना, पीछे थोड़ा कम चिल्ड हुई है। हाँ तो ये ऐसे होता है, ये नॉर्मल पैक भी हो जाता है, सारी बसों में ऐसा होता है जितनी भी आती है। तो तेरे जैसे राक्षस आए होंगे, खाली होंगे, उसमें भी नहीं है। ये सीट आगे है ये वाली, और ये थोड़ा सा ज़्यादा पीछे है, ऐसा क्यों? अच्छा तूने सीट मतलब देख के चूज़ कर ली है, तूने क्या देखा है बताऊँ? तूने विंडो देखी होगी फिर बैठा होगा, है ना, जो विंडो बड़ी बह हमेशा अपना फायदा है, निकले कम्फर्ट हमारा है। हाँ अरे किस्मत नहीं अच्छी है, हाँ अच्छा इसमें भी मिली है, वही है जिसको जरूरत नहीं होती ना, भगवान उसको जरूरत से ज़्यादा दे देता है कई बार, ऐसा होता है समटाइम्स। तो मैंने पता क्या किया था, एक ही वाली सीट की थी और एक ही मतलब अल्टरनेट की थी हमने, इधर इधर वाली एक साथ हमने नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास लगेज ना, अगर बाय मिस्टेक कोई नहीं आता तो हमारे लगेज रखने के लिए प्रॉब्लम ना हो। बस ये कि थोड़ा सा लेग स्पेस कम है यार मेरे हिसाब से, या मेरी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो शायद उसकी वजह से, बट थोड़ा सा ये और आगे होता ना तो मैं और कम्फर्ट तरीके से बैठ सकता था। मेरे को लगता है भाई लोग की सीट है, नहीं है भाई इनकी भी नहीं है। गाइस बुढ़िया बिस्तर निकालने लगे गाइस, और रिवा भी पहुंच गए गाइस, ये एसी इतना खतरनाक चिल्ड कर गया यार, मैं क्या बताऊं यार, थक गया इसकी यार। 5 बजे बोलो तो एग्जैक्ट 5 बजे पहुंचा है भाई इसने, ना एक मिनट ऊपर ना एक मिनट नीचे, मतलब अभी 5 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तब तक हम बस स्टॉप पहुँच जाएंगे। यार बस स्टॉप पर आए, बस स्टॉप पर ना तो कुछ मिला ही नहीं, एक भी बस नहीं है सिरमौर की, अभी जो भी जाएंगे ना 6:30-6 बजे के आसपास जाएंगी, तो हम लोग ऑटो पकड़ के निकल रहे हैं सिरमौर चौराहा, वहाँ पर देखेंगे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेट हो गया। सिरमौर चौराहा कितना लोगे? मिल गया, बाहर निकलते मिल गया, सामान हो गया है ना कि हालत ख़राब हो गई है भाई। जब तक एसी वाली बस में ट्रेवल कर रहे थे क्या सुकून था, क्या बाहर शोर शराबा कुछ पता नहीं है, और जैसे रीवा पहुंचे सारा होते ना एक लिमिट कि भाई तुम कितने पानी में हो देख लो। 5-6 घंटे का सफर पता नहीं भाई, 5 घंटे कंटिन्यू एक ही सीट पर बैठे थे लेकिन इतनी सी भी थकान नहीं लगी है, बट अभी देखना रीवा से सिरमौर पहुँचने तक में ऐसी हालत ख़राब होने वाली है ना कि बोल नहीं सकते, और ये टुक 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 बैठ के हालत ख़राब हो गई यार, ये डेड बॉडी लेके जा रहे हैं क्या? हमें ये पता करना पड़ेगा कि सिरमौर के लिए भी कौन सी बस निकलने लगी, क्योंकि इतने टाइम में आज तक कभी नहीं आया ना कभी गया, तो देखो कौन सी मिलती है। सिरमौर चलोगे? नहीं जाएगी। अरे बात बात कर लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे। बता दो कितना लोगे? नहीं चलोगे? जानते सिरमौर जाऊंगा तो लूट लेंगे। अब ये फ्लाईओवर के एंड में रोक देना, वरना थोड़ा थोड़ा बोल के ना आपको हम सिरमौर लेके चले जाएंगे। सिरमौर चौराहे से आते हम ले आए, थोड़ा आगे करके। बस हो गया, रोक दो यार, एक बस नहीं मिली, और एक मिली भी तो वो बोल रहे रैली में, रैली में नेता ना पड़े लोग और दिन आराम कर देते हैं, रैली करवाते तो घर घर जाओ, गाँव गाँव जाओ ना भाई, तो अच्छा लगे, इकट्ठा बुला लेते हो पूरा ट्रांसपोर्ट की ऐसी तैसी कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, ऑटो मिल चुकी है, लेकिन ये ऑटो ना हाफ डिस्टेंस के लिए, मैं हाफ डिस्टेंस हमें आगे फिर देखना पड़ेगा, फिर हालांकि रेट तो फिर भी ठीक लग गया है हाफ डिस्टेंस का, बट कोई बात नहीं, ऑटो में टुक टुक आ लो, क्योंकि ज़्यादा देर वेट करेंगे ना तो कुछ टाइम बाद ही ऑटो भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये लोग सब अपने अपने घर लौट रहे हैं, क्योंकि रैली में सारी बसें। हाँ ये भी हमें पता नहीं, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन से गए हुए हैं ना, तो भाई
क्या पता सारी अच्छी अच्छी बसें रैली में हो, बट एक खड़ी थी उसका भी टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं ऑटो से निकल गया, घर पहुंच गया भाई। और फाइनली यार इतने दिन बाद मैं चाय पीने वाला हूँ, ये देख लो चाय मम्मा बना रही है। और जिस दिन मैं यहाँ से गया था ना उसी दिन मैंने चाय पी थी भाई, है ना मम्मी, उस दिन पिए थे ना उसके एक दिन पहले। हाँ सही बोली मम्मा, एक दिन पहले। तो अभी जस्ट आधे घंटे हुए घर आए हुए, तो मम्मा लोग को सब जैकेट्स वगैरह दिखाने लगा था और जो जो लेके आया था, इवन ड्रोन भी दिखाया। हेलमेट देखो ना, मैंने दिखाने के बाद मैंने ऐसे ही सब कुछ रख दिया और जैकेट मैंने यहाँ पे टांग दी है। अब क्या सबसे बड़ा काम ये रहेगा ना कि मुझे ना इन सारी चीज़ों का ना एक प्रॉपर स्पेस बनाना पड़ेगा घर पे, जिससे ना कोई भी चीज़ ना ऐसे मतलब बिखरी हुई ना रहे। देखो अभी पूरा रूम ना सब बिखरा हुआ है, दो दो हेलमेट वो है, एक हेलमेट और मैं लेके आया, तो ये सारी चीज़ ना बिखरी हुई है। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट करेंगे इन सारी चीज़ों का, बट धीरे धीरे होगा। तो अब उसकी ही बारी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ना शौक तो देखो है सारी चीज़ों का, अपन करेंगे भी। और आज एक जैकेट आई है, कल कोई और पसंद आएगी, कल कोई और हेलमेट मैं लूँगा, तो ऐसे अपग्रेड करता रहूँगा। और मेरी कुछ हैबिट्स भी है भाई जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि चीज़ें इधर उधर बिखरना ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में नहीं रहना, वो सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे अपन। और मम्मी तबीयत वबीयत रिकवर हुई? ठीक है। वो लोग आई एकदम फिट, जाते टाइम बीमार दिखी थी ना, आते टाइम फिक्स, बढ़िया आराम हो गया। सर्दी हो गई थी नॉर्मल, पहले मेरे को सर्दी हुई, फिर मम्मा को सर्दी हुई, फिर अब पापा को हो गई है। तो मैं ठीक हुआ थोड़ा सा, मम्मी भी थोड़ा सा ठीक हो गई है, पापा हो गए बीमार, ये सब चलता रहता है। तो ठीक है भाई, अभी जाके मैं रेस्ट करता हूँ, चाय भी पीते, खाना पीना खाते, काम करते। ब्लॉग भी आज अपलोड नहीं कर पाया हूँ, अब मिलते कल के ब्लॉग में। और सारे जो भी शॉर्ट आने वाले, जो भी ब्लॉग आने वाले, उनमें बहुत तगड़ा कंटेंट होने वाला है भाई, मोटा ब्लॉग। और ड्रोन भी अपने पास आ चुका है, तभी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। तो अब खतरनाक खतरनाक वीडियोज़ आने वाले हैं बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। आज थोड़ा सा टायरिंग डे था, क्योंकि भाई बस से अपन ने ट्रैवल किया है। बाय, मिलते हैं कल।